बेल बजते ही हुसैन उस तरह खुश हो गया। अपनी गैंगस्टर और पुलिस इन्फॉर्मर की लाइफ से उसे आज ब्रेक चाहिए था। एंड वॉट बेटर देन बाइंग हिमसेल्फ अ पैशनेट नाइट विद अ ब्यूटिफुल महाराष्ट्रन वुमन। चेहरे पर हंसी लेकर वो अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही चेहरे पर की हंसी गायब हो गई और सामने बुरखा पहने खड़ी औरत को वो शक से देखने लग गया। मैंने तो महाराष्ट्रन औरत के लिए पैसे भरे थे, शायद इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुरखा पहना होगा। ऐसे सोचते हुए उसने उस औरत को अंदर आने दिया। दूध जैसे गोरे हाथ और गहरी आंखें लिए उस औरत ने सामने रखी बंदूक की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है? हुसैन उस तरह देखते ही रह गया। एक धंधे वाली को बंदूक से क्या लेना देना? इसका जवाब देते हुए उस औरत के मुंह से एक ऐसा नाम बाहर आया जिसके लिए हुसैन के मन में सिर्फ जहर भरा था, दुबई का दाऊद। ये कहानी है बदले की, ये कहानी है अशरफ खान उर्फ सपना दीदी की। अपने दोस्त की शादी में महमूद कालिया ने अशरफ खान को देखा और देखते ही वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए। कुछ दिनों बाद जब महमूद ने शादी की बात की तो बिना हिचकिचाए अशरफ ने अपनी तरफ से हाँ कह दी। महमूद और अशरफ ने शादी के बाद 5 साल एक साथ गुजारे। अशरफ को बस इतना पता था कि उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उस पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देगा। She was too innocent to know the kind of work her husband did and for whom। ये समय ऐसा था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर हर कोई कांप उठता था। इंडिया से भाग निकल उसने दुबई में अपना बेस बनाया था और वहाँ बैठकर वो इंडिया में महमूद जैसे लोकल गैंगस्टर्स के जरिए अपना डी कंपनी चला रहा था। मासूम अशरफ ने कभी अपनी जिंदगी में दाऊद इब्राहिम का नाम तक नहीं सुना था। वो इस बात से बेखबर थी कि कैसे ये एक नाम उसकी गहरी नींद में बुरा सपना बनने वाला था जिससे वो शायद ही कभी उठ पाएगी। अशरफ को पता नहीं था कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसे एक रानी की तरह रखने के लिए महमूद करता क्या था, इतने पैसे कहाँ से लाता था। उसे बस इतना पता था कि महमूद जिन लोगों के साथ रहता था वो ठीक नहीं थे। एक रात ऐसे ही महमूद ने अशरफ से कहा कि उसे बहुत दिनों के लिए देश से बाहर दुबई जाना पड़ेगा। पूरी रात उन्होंने एक साथ गुजारी। It was the last time when they held on to each other. What came next was the beginning of Ashraf's worst nightmare. उस दिन जब दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई तो अशरफ को लगा कि फिर कोई पुलिस ऑफिसर या महमूद के साथ काम करने वाले बुरे लोग होंगे, लेकिन दरवाजा खोलने पर पता चला कि बाहर उनका पड़ोसी था। महमूद ने उस पड़ोसी के घर के टेलीफोन पर कॉल किया था, जान मैं आज शाम घर आ रहा हूँ, तुम एयरपोर्ट आ जाना। ये सुनकर अशरफ अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लिए अपने घर लौट गई। 4 बजे तक सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुंचना था। तैयार होकर उसने नागपाड़ा से कैब ली और एयरपोर्ट पहुंच गई। बाहर लगी 2 पुलिस जीप पर उसकी नजर पड़ी तो कुछ चंद सेकंड के लिए उसके दिमाग में आया कि महमूद किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, लेकिन ये भी कोई सोचने की बात है, आज बहुत दिनों बाद महमूद घर आएगा और वो खाना खाकर एक साथ वक्त गुजार पाएंगे। ये सोचकर वो 7वें आसमान पर थी। अशरफ अपने पति से मिलकर उसे गले लगाने उसकी तरफ बढ़ती ही रही कि अचानक महमूद उस भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे पानी में नमक घुलकर गायब हो जाता है। सामने अब बस भीड़ थी और उस भीड़ में महमूद का कोई नामो निशान नहीं था। अशरफ आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक आदमी ने हाथों में बंदूक लिए हवा में 2-3 बार शूट किया, जिसकी वजह से अराइवल सेक्शन की भीड़ दर बदर भागने लग गई। अशरफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाहर खड़ी 2 पुलिस की जीप्स गायब थी। आखिर हो क्या रहा है? महमूद अभी तो मेरे सामने था, कहाँ चला गया? वो किसी मुसीबत में तो नहीं? सामने जमीन पर खून पड़ा था और पुलिस आसपास में बात कर रहे थे। अशरफ ने सुना कि गोली लगे इंसान को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है। बिना कुछ सोचे उसने उस हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी को रोका, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि गोली लगे किसी पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है। फिर एक बार पुलिस से बात करने पर उसे जेजे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा गया। वहां जाकर उसे पता चला कि महमूद नाम के एक वांटेड गैंगस्टर की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। अशरफ को तो ये सब झूठ लग रहा था, एक सपना लग रहा था जिससे वो उठना चाहती थी, लेकिन जब उसने महमूद की बॉडी को अपने आंखों से देखा तब उसे असलियत का झटका लगा और वो बिखर गई। उसे ये बताया गया कि महमूद ने पुलिस पर गोली चलाई और बदले में
पुलिस इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक ने 4 गोलियां मारकर महमूद कालिया का एनकाउंटर कर दिया। हॉस्पिटल लाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। और ये सारी बातें सुनकर अशरफ पूरी तरह से बिखर गई थी। महमूद को दफनाने के बाद अशरफ की मुलाकात उस्मान नाम के बुजुर्ग इंसान से हुई, जो अपने आप को महमूद का दोस्त बताता था। उस्मान ने उसे बताया कि महमूद का उनके बीच ना होना दाऊद के कारनामे है। इंडिया से भागकर दुबई में बैठे दाऊद ने महमूद को कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जिसके लिए वो राजी नहीं हुआ। डी कंपनी के इस मालिक की बात कोई ना माने, ये दाऊद कैसे हजम कर सकता है। इसलिए उसने महमूद की मुंबई आने की खबर पुलिस को देकर उसका इनकाउंटर प्लान किया। Now, Ashraf just had 2 feelings stirring within herself. One was that of grief, and the other one was the one of revenge. Revenge from the man who killed her husband. लेकिन एक ऐसी औरत जिसने दाऊद का नाम तक पहले कभी नहीं सुना था, वो आखिर उस शैतान का सामना अकेले कैसे करेगी? उस्मान के पास इसका भी जवाब था। एक नाम, हुसैन उस्त्रा। उस्त्रा, इस शब्द को इंग्लिश में हम रेजर ब्लेड के नाम से जानते हैं। हुसैन के आगे उस्त्रा नाम इसीलिए जुड़ गया था क्योंकि गैंगस्टर्स की दुनिया में अपना हुक्म चलाने के लिए वो बस एक रेजर ब्लेड का इस्तेमाल किया करता था। उसने दाऊद को बर्बाद करने की कई कोशिशें की थी। अशरफ और हुसैन की कहानी एक गलत फहमी से शुरू हुई। हुसैन एक प्रोस्टिट्यूट के इंतजार में बैठा था जब अशरफ ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसकी जुबान से दाऊद का नाम निकला तो एक सेकंड के लिए हुसैन को लगा कि ये औरत मजाक कर रही है, ये दाऊद को क्यों और कैसे मारेगी। लेकिन अशरफ की कहानी सुनकर, उसकी बातों में छुपे गहरे सच को समझकर, हुसैन ने ये फैसला किया कि वो अशरफ की मदद करेगा। लेकिन कैसे? हुसैन ने अशरफ को शूटिंग के लेसन देना शुरू कर दिया। हुसैन हैड हिज ओन डाउट्स अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ द स्ट्रेंज विडो, बट हिज डाउट्स वॉश्ड अवे व्हेन ही सेंस्ड हर ग्रीव एंड एंबिशन टू अवेंज हर डेड हस्बैंड बाय किलिंग दाऊद। अशरफ ने अपनी जिंदगी में कभी एक बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन हुसैन के दिए शूटिंग लेसन के वजह से उसने कुछ हफ्तों में बंदूक चलाना सीख लिया था। अशरफ को दाऊद के खिलाफ जो जंग छेड़नी थी, उसके लिए उसे फिजिकली भी स्ट्रांग होना जरूरी था। हुसैन ने उसे कुछ सेल्फ डिफेंस के टेक्निक सिखाकर अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनर को सौंप दिया। कुछ हफ्तों में अशरफ ने सेल्फ डिफेंस के बेसिक सीख लिए। हुसैन ने उसे मुंबई शहर में बाइक चलाना भी सिखा लिया। महमूद को गुजर कर 2 महीने हो चुके थे। उस लॉस के बाद अशरफ में बदले की आग जाग उठी थी। उस आग ने जैसे पुराने बुर्का पहनने वाले मासूम अशरफ को पिघला दिया और एक नए अशरफ को जन्म दिया जिसका टारगेट सिर्फ एक था। वो धीरे धीरे अपना पहनावा बदलने लगी। शी डिच्ड सलवार कमीज फॉर लॉन्ग लूज शर्ट्स एंड जीन्स। इस तैयारी के अलावा उसने पुलिस इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक के खिलाफ भी पिटीशन फाइल की थी। शी डिडंट बिलीव दैट महमूद्स एनकाउंटर वाज जेन्युइन। फाइल किए इस पिटीशन की सुनवाई कोर्ट में होने वाली थी और वो इस बात से अशरफ बहुत खुश थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इंस्पेक्टर ने कन्फेस कर लिया तो दाऊद का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा और इसीलिए उसको कोर्ट में पेश करने के लिए दुबई से इंडिया में लाया जाएगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं, और ये बात हुसैन को पता थी। दाऊद को इंडिया में लाना इतना ही आसान होता तो वो अब तक जेल की सलाखों के पीछे अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहा होता। इतने सारे वारंट्स होने के बाद भी वो वहाँ दुबई में आजाद है। उससे उसकी आजादी छीनने के लिए उसके जेब में होल करने पड़ेंगे, यानी इंडिया और आसपास के देशों में चल रहे उसके इलीगल बिजनेसेस को किसी तरह नुकसान पहुंचाना होगा। तब जाकर अशरफ और हुसैन अपने टारगेट दाऊद पर और करीब से निशाना लगा पाएंगे। ये बात हुसैन ने अशरफ को समझाई। उसके पास एक प्लान था। हुसैन उस्त्रा एक गैंगस्टर के साथ साथ कमिटेड पुलिस इन्फॉर्मेंट था विद अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट्स वर्किंग फॉर हिम। इसका इस्तेमाल करके वो दाऊद के इलीगल बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढकर पुलिस को पास ऑन करता था। एज अ रिजल्ट द कॉप्स यूज्ड टू रेड दीज बिजनेसेस एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स दे'ड शेयर अ स्मॉल परसेंटेज विद हुसैन। ये सब सुनकर अशरफ को पता चल रहा था कि हुसैन उसे क्या कहना चाह रहा था। हुसैन की तरह अगर अशरफ भी पुलिस इन्फॉर्मेंट बनकर दाऊद के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वो अपने मकसद के करीब आ सकती है। इस काम में अशरफ को उन सब लोगों की मदद लेनी होगी जो दाऊद के अगेंस्ट है, और इस समय दाऊद के अगेंस्ट चलने वाले लोग में से एक नाम काफी मशहूर था, दगड़ी चौल के अरुण गवली का। अशरफ ने बाइकला के दगड़ी चौल जाकर
अरुण गवली से मिलने का फैसला किया। अरुण गवली एक हिंदू गैंगस्टर था। उसने अशरफ की बात सुन तो ली, लेकिन उस पर भरोसा करने की जोखिम नहीं उठाई। क्या पता ये सब दाऊद का ही किया धरा हो। तो अरुण गवली के साथ बात करके अशरफ को लगने लगा कि अशरफ खान पर ना ही अरुण गवली विश्वास करेगा और ना ही पुलिस। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अशरफ ने अपना नाम बदलकर सपना रखने का फैसला लिया। ये नाम थोड़े ही समय में अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम बनने वाला था। सपना ने हुसैन के कॉन्टैक्ट्स की मदद से अपने काम को अंजाम देने की शुरुआत की। वो उस मुंबई को जानती थी जो दिन के उजाले में एक हलचल भरे शहर का नकाब पहनता था, लेकिन रात के अंधेरे में मुंबई का ये नकाब उठते ही इसका असली चेहरा अशरफ के सामने आ गया। गैम्बलिंग, डांस बार्स, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, ऑल ऑफ दिस प्रोपगेटेड इन मुंबई पास्ट मिडनाइट। अशरफ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस साइड ऑफ मुंबई टू गेट क्लोजर टू दाऊद। जब भी उसे लगता कि किसी गैम्बलिंग डेन या डांस बार का कनेक्शन दाऊद से है, तो वो ये खबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स तक पहुंचाने का काम करती थी। सिर्फ 3 हफ्तों में अशरफ ने सपना बनकर वो कर दिखाया जो हुसैन उसरा सालों से कर रहा था। शी मैनेज्ड टू क्लोज डाउन मेनी डांस बार्स, टू ऑफ दाऊद्स गैम्बलिंग डेन्स, व्हिच रिजल्टेड इन अरेस्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट 40 पीपल। हुसैन ने इस बात को नोटिस की और सपना को एक और अच्छी खबर सुनाई। दाऊद का इलीगल वेपन्स बिजनेस और फेक करेंसी में भी हाथ था। ज्यादातर ये आर्म्स और फेक करेंसी काठमांडू बॉर्डर से होकर पाकिस्तान से इंडिया में आते थे। प्लान ये था कि हुसैन और सपना नेपाल जाकर इस इलीगल आर्म्स और फेक करेंसी के फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे। इस प्लान को उन्होंने जब एग्जीक्यूट करते समय उनके हाथों AK-47 से लेकर पिस्टल्स लगने लगे, दे डिसाइडेड टू सेल दीज वेपन्स टू द अंडरवर्ल्ड इन कोलकाता एंड गेन प्रॉफिट टू प्रोसीड विद फ्यूचर प्लान्स टू हार्म दाऊद। इस सब के बीच भी सपना ने लीगल मीन से भी दाऊद को सजा दिलाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उसके फाइल किए गए पिटिशंस को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक वाज given a clean sheet after the investigation and the case against him was dismissed by the court. Sapna ab apne maksad ko hasil karne ke itne kareeb aa chuki thi ki use koi court ka judgment discourage nahi kar sakta tha. Lekin 1991 mein kuch aisa hua जिसकी वजह से सपना ने अपनी जिंदगी में फिर हुसैन उस्तरा की शक्ल तक देखनी नहीं चाहिए। हुसैन had grown to be affectionate towards Sapna and it was harder for him to hide his feelings. एक रात सपना पर कुछ गैंगस्टर्स ने अटैक किया और वो मदद के लिए हुसैन के पास आ गई। हुसैन mistook her intentions and tried to touch her inappropriately without her consent. That was the last time he ever saw Ashraf before she became well known in the underworld as Sapna Didi. धीरे धीरे सपना ने मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ को इकट्ठा करके अपना एक नेटवर्क बनाया। These young men respected her as their elder sister, thus the name Sapna Didi. Informant का काम करते करते अब Sapna Didi एक ऐसा plan execute करने का सोच रही थी जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। दाऊद दुबई में छुपा रहता था, लेकिन वो सिर्फ selective occasions पर publicly appear होता था। लेकिन 90s में इंडिया पाकिस्तान के matches दुबई में शारजा नाम के शहर में होने वाले थे। दाऊद VIP enclosure में अपने famous black glares लगाकर match देखने वाला था, और उसी समय हजारों लोगों के बीच उस स्टेडियम में दाऊद को शूट करने का प्लान सपना दीदी ने बनाया था। उसने अपने कुछ आदमियों को वो स्टेडियम को अच्छी तरह से समझने के लिए दुबई भी भेजा। प्लान बन चुका था, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करने की देरी थी। लेकिन लालच में आकर सपना दीदी के कुछ आदमियों ने इस प्लान को लीक कर दिया और ये खबर छोटा शकील के कानों पड़ी। छोटा शकील दाऊद का खास आदमी था। He was one of the most violent gangsters in the infamous D company. इस दौरान सपना दीदी नागपाड़े के हजरा मोहल्ले में शिफ्ट हो चुकी थी। ये इलाका मुसाफिर खाना से कुछ मीटर दूर था। मुसाफिर खाना में दाऊद के कुछ फैमिली मेंबर्स रहा करते थे। एक दिन सपना दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने अपने सारे आदमियों को घर जाने के लिए कह दिया। सपना दीदी अपने घर पर अकेली थी। इसकी खबर छोटा शकील तक पहुँच गई और उसने उस पूरे खेल को खत्म करने का फैसला ले लिया। His men reached Nagpara with daggers and pistols. Sapna Didi was stabbed in her genitals 22 times and more until she dropped cold and dead on the floor of her own den. Ashraf Khan उर्फ सपना दीदी के मौत को आज भी ब्रूटली एग्जीक्यूटेड मर्डर कहा जाता है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से अशरफ खान के गुनहगारों को कभी सजा नहीं मिल पाई। अशरफ के साथ उनके दाऊद को मारने का सपना भी खत्म हो चुका था। शी वॉज रीबॉर्न एज सपना दीदी
टू अवेंज हर हस्बैंड एंड शी डाइड डूइंग द सेम। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इफ यू लर्न्ड एंड एंजॉयड दिस ट्रिप टू द पास्ट ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस ऑन द नेक्स्ट वीडियोस।